चार्ज कैसे आप लोग सब दिस इज अर्जुन अख्तर फ्रॉम द टीम रेड फाइट एंड हियर वी विल स्टडी सिविक्स ऑफ क्लास 7 इन द प्रीवियस वीडियो हमने हिस्ट्री का चैप्टर फिनिश किया था टुडे वी विल स्टडी चैप्टर 1 ऑफ 7 एंड दैट इज ऑन इक्वालिटी मतलब कि इक्वालिटी बराबरी ठीक है बैलेंसिंग इक्वालिटी मतलब सबका बराबर इक्वालिटी मतलब क्या होता है इक्वालिटी का बहुत सारा मीनिंग होता है ठीक है बट इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट फील्ड हम अलग अलग जगह पे इक्वालिटी को अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं मगर एक बेसिक चीज़ इक्वालिटी की क्या है वो हम लोग आज जानेंगे कि एक्चुअल में एक नॉर्मल से डेफिनेशन इक्वालिटी की हम लोग क्या लिख सकते हैं और इक्वालिटी असल में होती क्या है ओके इन दिस क्लास वी विल बी डिस्कसिंग द इंट्रो पार्ट ऑफ दिस एंड सम मोर डेफिनेशन ओके सो लेट गेट स्टार्टेड अब सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रो देखते हैं वॉट इज इक्वालिटी आखिर इक्वालिटी है क्या ठीक है इक्वालिटी का एक बेसिक डेफिनेशन है इक्वालिटी इज अ कंडीशन इन विच एन अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी आर गिवन टू ऑल इक्वालिटी एक ऐसा कंडीशन है ठीक है एक ऐसा सिचुएशन एक ऐसा कंडीशन एक ऐसा कंडीशन है दैट कैन नॉट बी डिप्राइव्ड जो लिया और दिया नहीं जा सकते एक ऐसा कंडीशन है जिसमें एक अप्रोप्रिएट मतलब एक पॉसिबल एक अप्रोप्रिएट मतलब कह सकते हो एक अच्छी अप्रोप्रिएट मतलब सूटेबल उसके हिसाब की एक अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी मौका सभी को दिया जाता आर गिवन टू ऑल इक्वालिटी एक ऐसा कंडीशन है एक ऐसा हम कह सकते हैं सिचुएशन कह सकते हैं एक ऐसा कंडीशन कह सकते हैं जो कि लिया और दिया नहीं जा सकते एक ऐसा कंडीशन है बच्चों जिसमें कि सामने वाले के हिसाब से जो आप जो भी इंडिविजुअल है उसके हिसाब से उसके सूटेबल उसके कंफर्टेबल जोन में उसके लिए एक अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी एक अप्रोप्रिएट मौका है जो उसे दिया जाता है ठीक है और ये सभी के लिए है हम सब के लिए जैसे कि अगर इक्वालिटी की बात हम करते हैं अगर मैं अपने बारे में फॉर एग्जांपल टेक मी एज एन एग्जांपल इक्वालिटी समझने के लिए मैं अगर किसी जगह इंटरव्यू देने गई ठीक है या मैं किसी राशन की दुकान पे राशन खरीदने गई मैं किसी ग्रॉसरी शॉप में ग्रॉसरी लेने गई हूँ फॉर एग्जाम्पल तो मैं ग्रॉसरी शॉप में ग्रॉसरी लेने गई हूँ मैंने नॉर्मल ड्रेसिंग की और मैं नॉर्मल ऑटो से उतर के गई हूँ और मेरी बगल में एक और लेडीज आती हैं ठीक है वो लेडी बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन बिल्कुल एक्सपेंसिव ड्रेस पहने हुई एक्सपेंसिव ज्वेलरीज पहने हुई और बहुत अच्छे से एक्सपेंसिव कार से बाहर निकल के खड़ी होती है उसी ग्रॉसरी शॉप में ग्रॉसरी लेने के लिए ठीक है वी बोथ आर स्टैंडिंग ऑन द सेम लाइन हम लोग दोनों उसी लाइन में साथ में खड़े बट पहले मैं आई हूँ ठीक है पहले मैं आई वो मेरे बाद आई अब देखना ये है कि सामने वाला जो शॉपकीपर है वो हमें कैसे ट्रीट करता है पहले मुझे देता है कि पहले उन्हें देता है इससे हम समझेंगे इक्वालिटी है क्या चीज़ तो वो शॉपकीपर ने क्या किया फर्स्ट केस में उस शॉपकीपर ने एज पर क्योंकि मैं पहले आई थी उसने मुझे ग्रॉसरी अकॉर्डिंगली मुझे दे दिया और मैं चली गई और मेरे पास उस लेडीज ने लिया वहां पर उसने ये नहीं देखा कि वो ज्यादा रिच है ये कम रिच है इसे पहले देना चाहिए उसे बाद में देना चाहिए मे बी उसकी शॉपकीपर की ट्रेंड ज़्यादा बढ़े मे बी वो ज़्यादा पब्लिकली हो जाए वो ज़्यादा अच्छे ज्वेलरीज पहने शायद वो ज़्यादा पैसे दे ऑब्वियसली कोई भी शॉपकीपर अपने लिए प्रॉफिट ही सोचेगा लॉस तो नहीं सोचेगा बट वहाँ पर उन्होंने क्या किया दैट अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी वो मुझे मिली मैं पहले आई ठीक है मेरे लिए सूटेबल मौका क्या था मेरे लिए सूटेबल कंडीशन क्या थी कि मैं पहले आई उस शॉप में मैं पहले गई तो मुझे पहले मिलना चाहिए क्योंकि मैं वहाँ पर खड़ी थी जस्ट बिकॉज कि वो रिच है उन्होंने एक्सपेंसिव ड्रेस पहनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी पहनी है उन्हें पहले ग्रॉसरी दे दी जाए ये क्या होगा इनइक्वालिटी होता अगर वही इन केस टू सेम सिचुएशन होती बच्चों हम लोग दोनों खड़े होते लेकिन वो शॉपकीपर पहले वो उन लेडी को अगर देता जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ड्रेस पहनी हुई है बहुत ज़्यादा तुम्हारा एक्सपेंसिव ज्वेलरीज पहनी हुई है मे बी वो उसे थोड़ा ज़्यादा पैसे देंगी सब्जी के लिए क्योंकि उसने उसे जल्दी दी है सब्जी तो मे भी हो सकता अगर शॉपकीपर ये करता तो वहाँ पर इनइक्वालिटी होती ऑन द बेसिस ऑफ क्या मनी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस उसने देखा कि वो ज़्यादा रिच है मुझसे तो उससे पहले दे देती हूँ यहाँ पर वो इनइक्वल हो जाते हैं हम लोग दोनों लेकिन उस शॉपकीपर ने क्या किया एक कंडीशन वहाँ पर एक अप्रोप्रिएट कंडीशन एक सिचुएशन थी जहाँ पर मैं पहले आई थी तो बेसिकली पहले मुझे मिलना चाहिए था सामान तो उसने पहले मुझे सामान दिया फिर उस लेडी को दिया यहाँ पर उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन ज़्यादा रिच है कौन पुअर है कौन फेयर है कौन नहीं कौन पहले आया कौन बाद में जो बेसिक चीज़ थी एक अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी जो दोनों को मिली थी जिसमें जो सही था उसने वो किया अगर वो उस रिचनेस पे जाता कि वो ज़्यादा रिच है
वो उसे ज्यादा पैसे देंगी या वो ज्यादा खूबसूरत है उसे पहले देना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होता, इनइक्वालिटी होता। तो आप लोग समझ ही गए होंगे बच्चों इक्वालिटी क्या होता है। कोई भी ऐसा गिवन मौका, कोई भी ऐसा मौका अगर सामने वाले को दिया जाए जो उसके लायक हो या जो उसके लिए सही हो, वो होता है इक्वालिटी। सिर्फ उससे वो मौका इसलिए नहीं ले लिया जाए, वो अपॉर्चुनिटी इसलिए डिप्राइव नहीं कर दी जाए कि वो ज़्यादा वेल्दी नहीं है या वो बहुत गरीब घराने से आए या वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं दिखता, तो क्या होगा, ये इनइक्वालिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट करो, अनदर एग्जाम्पल, टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ सेलिब्रिटीज। हमारे सोसाइटी में, हमारे कंट्री में टैलेंट सबसे बड़ा एग्जाम्पल है किसी भी चीज़ को पोर्ट्रे करने के लिए। अगर हम दो फिल्म स्टार को, दो कंटेस्टेंट को साथ में लेते हैं, दोनों कंटेस्टेंट ने एक्टिंग के लिए अपना ऑडिशन दिया जा करके, एक कंटेस्टेंट किसी डायरेक्टर का बेटा है तो अनदर कंटेस्टेंट एक कॉमन इंसान है, ऑर्डिनरी पीपल है, ठीक है। बट टैलेंट वाइज वो जो ऑर्डिनरी पीपल है वो ज़्यादा टैलेंटेड है, और जो डायरेक्टर के बेटे हैं जो कि अपने लिए यहाँ पर ऑडिशन देने आए हैं वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है। बट जो जजेस हैं, अगर वो उस डायरेक्टर के बेटे को पास ऑन कर दे जस्ट बिकॉज कि वो एक डायरेक्टर का बेटा है, वेल्दी है, उसे आगे फंड में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, या रिचनेस को देखें उसे कर दे, तो वहाँ पे क्या होता, इनइक्वालिटी होता ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस। लेकिन अगर उसी जगह पे, वहाँ पे जो जजेस बैठे हैं वो उस कंटेस्टेंट को पास करें या मौका दे आगे बढ़ने का जो कि बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग भी नहीं, बट अच्छे टैलेंटेड है, तो वहाँ पे क्या होगा, इक्वालिटी। क्योंकि वहाँ पर एकेडमिक्स नहीं देखी जाती है, वहाँ पर क्या होता है, जब हम लोग ऑडिशन देने जाते हैं हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाता है और एक्टिंग देखी जाती है। तो वो लोग उसी के लिए गए थे, उस लड़के का ओवरऑल परफॉर्मेंस बेटर था, उसकी उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट था, तो वो आगे चल के क्या करेगा, समथिंग गुड। लेकिन यहाँ पे इसके पास सिर्फ एक ही टैलेंट था कि ये डायरेक्टर के बेटे हैं, उससे ज़्यादा ये उससे कम टैलेंटेड थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, अपॉर्चुनिटीज दोनों को दी गई लेकिन अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी उसे मिली जो उसके लायक था, तो यहाँ पर वो क्या हो गया, पास ऑन हो गया। तो यहाँ पर डायरेक्टर या जो भी जूरी मेंबर है वहाँ पे इक्वालिटी की जो सही था वो क्या, अगर यहाँ पर डायरेक्टर के बेटे को मिलता तो वो अनइक्वालिटी होती, लेकिन यहाँ पर उस कॉमनर को मिला, कॉमन पीपल को मिला, क्योंकि वो ज़्यादा डिजर्विंग था। ओके, अंडरस्टैंड एवरीबडी? ओके, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि इक्वालिटी किस बेसिस पे होती है, और लमसम थोड़ा तो डेफिनेशन आप लोग समझ ही गए होंगे कि इक्वालिटी का क्या मतलब होता है। सो लेट्स मूव ऑन वर्बली। अब हम लोग नेक्स्ट बात देखते हैं कि इसका बाकी क्या कहना चाह रहा है। इसका नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल राइट टू वोट। अब जब हम एक इक्वालिटी की बात करते हैं तो हमारे देश में सबसे पहला मुद्दा होता है हमें वोट देने की आज़ादी है कि नहीं, क्योंकि बहुत पुराना इतिहास है हमारा कि हमें वोट देने के लिए पहले इजाज़त ही नहीं थी। वी आर नॉट अलाउड टू गिव वोट। हर इंसान को वोट देने का अलाउडेंस नहीं था, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस थे बच्चों जिसमें वोट देना डिनाई किया गया था, बट अब हमारे देश में हर किसी को वोट देने का अधिकार है। तो ये सबसे पहला, सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे हम कह सकते हैं एक्सट्रीम टॉपिक है अगर हम बात करें इक्वालिटी को समझने की। तो इक्वल राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार सबको इक्वली मिलना चाहिए। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। क्यों डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि यहाँ एक ऐसा सिस्टम फॉलो होता है, एक ऐसा गवर्नमेंट बनता है दैट इज मेड टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है। All adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. ठीक है? यहाँ पर equal right to vote का क्या मतलब हुआ है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है, जो हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर सारे adults, सारे बड़े, क्यों बड़े, यहाँ पे सारे adults क्यों use हो रहे हैं बच्चों, why adults? क्योंकि बिलो एवरेज, मतलब बिलो एवरेज लोगों को, बिलो एवरेज एज जो होता है 18 प्लस और 18 के बाद ही हम वोट कर सकते हैं, बिलो 18 हमें वोटिंग राइट्स नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये एथिक्स है बच्चों, दिस इज लॉ। हम 18 में लिटिल बिट मैच्योर हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, एटलीस्ट हम गूगल करके तो पता कर ही सकते हैं कि हम किसे वोट दे रहे नहीं। बिलो 18 हम इमैच्योर होते हैं, हमें समझ नहीं होती, हमें खुद की समझ नहीं होती हम वोट क्या करेंगे। तो सरकार ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लॉ बनाया वो ये देखकर बनाया कि हम इतने मैच्योर हो जाए, अडल्ट हो जाए, क्योंकि 18 के बाद वी आर कंसिडर्ड एज अडल्ट, तो हम वोट कर पाए। तो सारे एडल्ट जितने भी बड़े, मतलब कि 18 प्लस जितने भी लोग हैं हम यहाँ पे बात करें, ऐसे लोग जिन्हें वोट देने का अप्रूवल मिलता है, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म के हों, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म के हों,
they belong to how much education. कितना भी पढ़े लिखे हो जरूरी नहीं कि वोट करने वाला एक MBBS या BEd वाले ही हो. एक रिक्शा चलाने वाला, एक कॉबलर, एक पोछा लगाने वाली, काम करने वाली भी वोट दे सकती है. ठीक है, क्या एजुकेशन है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, कौन से कास्ट के हैं. भाई बहुत सारे कास्ट है, भूमिहार, ब्राह्मण्स, और पता नहीं सिख में अलग अलग कास्ट होते हैं, जट, मराठास, इस्लामिक में बहुत सारे कास्ट होते हैं. तो वो कौन कौन से कास्ट के, कौन से बैकग्राउंड के, डजंट मैटर, वो वोट कर सकते हैं. दे आर, वेदर दे आर रिच और पुअर, आर अलाउड टू वोट. चाहे वो अमीर हो या गरीब, उन्हें वोट करने की आज़ादी है, उन्हें वोट करने का अधिकार मिलता है. और ये अधिकार कौन देता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें देती है. इक्वल राइट टू वोट, बराबर का अधिकार वोट करने के लिए सबको. देखो बच्चों, वोट करने में ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आप अमीर हो या गरीब, मैटर नहीं करता. आप अच्छे दिखते हो या बुरे, स्मार्ट हो कि गुड लुकिंग, वो मैटर नहीं करता. आप क्या पढ़ाई की हो, मैटर नहीं करता. आप कौन सा रिलीजियस को फॉलो करते हो, मैटर नहीं करता. जब हम एक लाइन में वोट देने के लिए खड़े होते हैं, वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, हम इंडिया के सिटीजन, वहाँ पे हम देश के नागरिक होते हैं. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, ये सब कोई नहीं होता. वी ऑल आर एट दैट टाइम सिटीजन ऑफ इंडिया. हम सब वहाँ पे इंडियन सिटीजन होते हैं, हम सब वहाँ पे सिटीजन्स होते हैं, हमारे देश के नागरिक होते हैं, जो कि अपने नए सरकार, अपने नए सिस्टम को, गवर्नमेंट को चुनने के लिए योगदान देते हैं अपना. ठीक है, हर तरह के लोग, हर कास्ट के लोग, हर जाति के लोग, हर बैकग्राउंड के लोग वहाँ पे वोट कर सकते हैं. कई बार आपने देखा होगा वोटिंग में बहुत सारे, जब हमारे मीडिया में वोटिंग वाला सीरीज जब न्यूज़ में दिखाया जाता है, तो उस वोटिंग लाइन में जहाँ पे बहुत गरीब गरीब दादी और आंटीज लोग खड़ी होती हैं, कई बार आपने देखा होगा उस वोटिंग लाइन में तुम्हें कोई सेलिब्रिटी भी खड़ी दिखेंगे उसी रूप में, बट दे आर स्टैंडिंग एट द सेम लाइन. व्हाई? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें ये अधिकार देती है कि वो भी उन्हीं के बराबर है. सरकार के लिए भी एक रिक्शा चलाने वाले या एक पोछा लगाने वाले, काम करने वाले, किरोसिन बेचने वाले का भी वोट उतना ही मान्यता रखता है जितना कि यहाँ पर खड़े हमारे कोई टाटा वाजपेयी हो, हमारे कोई अमिताभ बच्चन हो या हमारे सलमान खान हो. वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है. ओके, तो ये जो हमारा एडल्ट वोट है, ये जो है ना कि हर इंसान को, हर तबके के, हर रिलीजियस, हर कास्ट को वोट करने का अधिकार है, इस पूरे क्राइटेरिया को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एंड इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज. द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एसेंशियल फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी. ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ये बहुत एसेंशियल है एस्पेक्ट, हमारे डेमोक्रेसी का बहुत एसेंशियल पार्ट है, बहुत एसेंशियल एक नया फैक्टर है, एक एस्पेक्ट है हमारे डेमोक्रेसी का. और ये आइडिया जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, ये किसके ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर आधारित है, इक्वालिटी, बराबरी के ऊपर. ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे अबाउट दिस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, थोड़ा और डीपली हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, टिल नाउ आज के लिए हमारे इतनी एक्सप्लेनेशंस काफ़ी है. आई होप आप लोग थोड़ा बहुत इक्वालिटी के ऊपर समझ ही गए होंगे. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, फील फ्री टू आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, आई बी देयर टू हेल्प यू आउट. ओके बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन स्टे सेफ एट होम बच्चों. थैंक यू.